ज्ञानव्यापी में नो एंट्री। जी हां, जिस सर्वे से ज्ञानव्यापी का सच सामने आना है उस सर्वे पर फिलहाल जंग छिड़ चुकी है। आज ज्ञानव्यापी में पहुंची सर्वे टीम को एक बार फिर मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती है। हम आपको बता दें, सर्वे काम आज नहीं हो पाया है और इसके बाद से ही 3 दिन तक चलने वाला सर्वे आज दूसरे दिन रोक दिया गया है। 10 मई तक सर्वे टीम को अपनी रिपोर्ट को सौंपना था, ऐसे में रिपोर्ट भी नहीं सौंपी जा सकेगी। अब इस मामले में हम आपको बता दें कि 9 तारीख को एक अहम सुनवाई होने वाली है और यह सुनवाई जब कोर्ट में होगी तो हिंदू पक्ष का यह कहना है कि कोर्ट में यह बात हम रखेंगे, कैसे हमें सर्वे करने से रोका गया, कैसे कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी में रौनक तो हमेशा रहती है, लेकिन आजकल वहां हंगामा बरपा है। आज सर्वे के दूसरे दिन टीम ज्ञानवापी मस्जिद फिर पहुंची, लेकिन कल की तरह आज भी मस्जिद के अंदर जाने से सर्वे टीम को रोक दिया गया। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पर आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। अगर यही रुक रहा, अगर यही रुक रहा मुस्लिम जो बात है, आप आगे क्या करेंगे? हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे यहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है, अब ये न्यायालय को देखना है। हम लोगों के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई आ चुकी है हम लोगों के सामने। ये 9 तारीख तक रुक गया है कि आप? 9 तारीख लगी है मुकदमे में, डिस्पोजल तारीख है बस। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कंट्रोल कंटेंट है, अंदर जाने नहीं दिया गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया। अरे भैया, हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया बस। रिकॉर्डिंग हुई आज? हमने कोई कार्रवाई नहीं। साफ है कि दूसरे दिन भी सर्वे का काम नहीं हो पाया। मस्जिद परिसर में भारी भीड़ मौजूद थी जो लगातार सर्वे टीम का विरोध कर रही थी। तो आखिर वही हुआ जिसकी चर्चा थी और जिस बात पर मुस्लिम पक्ष अड़ा था, यानी कि आज जब सर्वे की टीम, कोर्ट कमिश्नर की टीम अंदर पहुंची और आज उसने जब बैरिकेटिंग के भीतर ज्ञानवापी मस्जिद में घुसने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। जब उन्हें रोका गया उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील बाहर आ गए और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि आज कोई सर्वे नहीं हुआ और अब वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि अब अंदर जाकर के ही सर्वे होना बचा है। अब 9 तारीख को अगली डेट है और उस दिन दो अहम सुनवाई होगी। एक निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए हैं कोर्ट कमिश्नर के, उस पर सुनवाई होगी और दूसरा हिंदू पक्ष इस बात को लेकर जाएगा कि उन्हें सर्वे से रोका गया है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष अदालत तक पहुंच गया। उनका तर्क था कि कोर्ट कमिश्नर हिंदू पक्ष की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हटा दिया जाए। दोनों पक्षों के वकील में भी आर पार की जंग दिखाई दी। साहब मौके पर निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहे थे, वादी के पक्ष में कार्य कर रहे थे। इस तरह की बातें जो की जा रही, मैं फैक्ट पॉइंट पर आ जाना चाह रहा हूँ क्योंकि डीएम साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि तहखाने की चाबी दे दी जाएगी अगर कमिश्नर महोदय मांगेंगे तो ऐसी परिस्थिति में उबाल आना और घबराना तो लाजमी है। तो ऐसी परिस्थिति में सच सामने आ जाएगा ना, इसीलिए आप जब घुसेंगे ना तहखाने में तो वहाँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कमीशन की कार्यवाही पूर्ण हो जाए, उस पर अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट गलत दिया है या मौके के अनुसार नहीं दिया है तो विरुद्ध पक्ष को यह अवसर प्राप्त है कि वह उसकी पूरी आपत्ति प्रस्तुत करे, उस पर न्यायालय विचार करेगी और उस परिप्रेक्ष्य में उसका निस्तारण। शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद से पुलिस और प्रशासन पहले से भी ज्यादा अलर्ट दिखा। मंदिर मस्जिद कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस ने फ्लैग मार्च कर संदेश दिया, हालात नियंत्रण में है। पुलिस की टीम्स यहां पर पूरी पेट्रोलिंग कर रही, मेरे पीछे वाराणसी पुलिस के जवान लगातार चल रहे हैं, बातचीत भी करूंगा मैं
क्या लग रहा है सर, क्या इस चीज को पेट्रोलिंग? सर जी कोई ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें दुरुस्त हैं, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जिस तरह से दंगे वाले हालात हो गए थे सर, उसके बाद कैसे आप लोग देखा? ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ था, ये तो बस पैदा हुए। नहीं कोई ऐसा, उन्होंने समझाया उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं, पीछे देखिए, पीछे देख सकते हैं, यहाँ पेट्रोलिंग लगातार यहाँ पर चल रही है, पुलिस के जवान आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम इनके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, भापने समझने की आखिर इस वक्त काशी के हालात क्या हैं। यूं तो काशी मुस्कुरा रही है, यूं तो काशी अपनी गंगा यमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, पर कल जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा टेंस जरूर है। गदौलिया की जो गलियां हैं रास्ते की, उनमें कहीं ना कहीं लोग टेंस हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस में व्यास पीठ की एंट्री भी हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के व्यास पीठ का दावा है कि जहां ज्ञानवापी है उसकी जमीन का मालिकाना हक उनके पास है। आज तक की टीम को उन्होंने मालिकाना हक के दस्तावेज भी दिखाए। गार गौरी के पूजन का अधिकार अभी तक सिर्फ इसी परिवार के पास था। साल में अगर एक दिन पूजा होती थी तो यही व्यास परिवार है जो उस पूजा को करता था। बाद में 5 महिलावादी जरूर गई वहां पर, जो कि जिन्होंने पूरे साल में उनके लिए हर दिन पूजा का अधिकार मांगा, लेकिन ये जो व्यास परिवार है जो पीढ़ियों से बाबा विश्वनाथ का जो व्यास पीठ है उसका महंत रहा है। ये बताइए कि आप लोग कब से श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक दिन के लिए खुला और अब पूरे साल के लिए खुला है। हम लोग अनंत काल से पूजा करते चले आ रहे हैं, जब से जो है हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग करते चले आ रहे हैं 400-500 वर्षों से। तो क्या ये पूजा वहीं पर होती है जो आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी? जी वहीं पर होती है पूजा। श्रृंगार वहाँ तो मंदिर है नहीं, जो मंदिर बना हुआ है दीवार में ना सारी मूर्तियाँ, तो उन्हीं में श्रृंगार गौरी का भी मूर्ति है जो आपको हमने फोटो दिया। बहरहाल अभी सर्वे के साथ सियासत भी जारी है। हालांकि कोर्ट की कोशिश है कि सर्वे के बाद समाधान की ओर बढ़ा जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध और दूसरे मामले पर हो रही सियासत ने सूबे का पारा और हाई कर दिया है। समाज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। देखिए पारा इसलिए हाई है क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे टीम वीडियोग्राफी करने गई थी। पहले दिन मस्जिद परिसर के बाहर हिस्से में वीडियोग्राफी होती है, लेकिन इस वीडियोग्राफी करने गई टीम के सदस्य से जब हमने बातचीत की तो कई और बातें निकल कर आई। जरा सुनिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने जब इस टीम से बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा। इस मामले में जिन्होंने वीडियोग्राफी करी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा है, वाराणसी से हूँ। जी गणेश शर्मा जी, क्या हुआ अंदर कल? पहले बताइए क्या हुआ कल? कल श्रृंगार गौरी का शूट हुआ था और आज भी श्रृंगार गौरी और चौहद्दी, पूरे परिसर की चौहद्दी आसपास जो है बाउंड्री एरिया शूट किया गया। अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं मिल पाई इसलिए अंदर नहीं जा पाए। तो कल क्या प्रयास किया गया अंदर जाने का? हाँ कल तो काफी गर्मा गर्मी हो गया था अंदर जाने की बात पे। दूसरे पक्ष ने बहुत विरोध किया था कि अंदर नहीं जाने देंगे। आज फिर जो है प्रशासन, आज दूसरे पक्ष विरोध नहीं कर रहा था और प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई अवरोध भी नहीं था कि अंदर नहीं जाना है और अंदर जाने के लिए परमिशन भी नहीं मिला, प्रशासन भी रोक रहा था। ओवरऑल बताया गया कि 100 के ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के आसपास थे। काफी लोग थे पहले से अंदर थे। तो आपने अभी देखा होगा खुद क्योंकि वीडियोग्राफ कर रहे हैं, आपने कुछ पाया वहाँ पर श्रृंगार गौरी की मूर्तियाँ वगैरह जो भी चीजें? देखिए क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं। मस्जिद की दीवार पे 2 स्वास्तिक चिन्ह हमने देखे हैं, शूट किया मस्जिद के पास, मस्जिद की दीवार पे 2 स्वास्तिक चिन्ह। तो कई बातें निकलकर सामने आ रही, कई सारे सवाल खड़े हो रहे, लेकिन इन सब के बीच में एक और ज्ञानवापी सर्वे पर घमासान छिड़ा है तो वहीं सियासत भी इसको लेकर काफी तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि इस लड़ाई में राजनीतिक दल खुलकर मैदान में आ चुके हैं और अपने अपने एजेंडे के हिसाब से वो सभी सियासत कर रहे हैं। तो सियासत को लेकर ये रिपोर्ट देखिए हमारी। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने कोर्ट के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ मस्जिद की वीडियोग्राफी का विरोध करने के लिए मुस्लिम पक्ष खड़ा है,
मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया। वहीं AIMIM मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी ने काशी की तुलना अयोध्या से कर डाली। ओवैसी कह रहे हैं कि सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश देकर वाराणसी की कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल पर बने कानून का उल्लंघन किया है। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में ये कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं, मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है नहीं मानती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि काशी में हो रहे सर्वे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और ओवैसी और पूरा विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। डिप्टी CM केशव मौर्य ने कहा कि जो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे अराजक तत्वों से सरकार सख्ती से निपटना जानती है। कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। जो विरोध कर रहे हैं निश्चित तौर से वो अराजक तत्व हो सकते हैं और ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है। वाराणसी में हो रहे सर्वे पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीधी सी बात है कि सरकार बेकाबू महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाई। इतना ही नहीं, ओवैसी के सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी ने ओवैसी को एक बार फिर बीजेपी की बी टीम करार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम के विषय हमारे सामने लाती है, जबकि सच्चाई ये है कि जनता को अगर कोई चीज़ छू रही है तो वो इस देश में महंगाई छू रही है, बेरोजगारी छू रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। अब बात कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह दिया कि मस्जिद का सर्वे न्यायपालिका का राजनीतिक इस्तेमाल होना दिखाता है। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है, असंवैधानिक है, क्योंकि 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पर यह आदेश देता है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर की जो भी स्थिति रही हो 15 अगस्त 1947 को, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि उसको चैलेंज करने के लिए कोई पिटीशन डाला जाता है तो वो न तो कोर्ट में, न किसी ट्रिब्यूनल में, न किसी प्राधिकरण के सामने स्वीकार करने योग्य भी होगा। इसीलिए आज तक, चाहे वो काशी का मसला रहा हो, चाहे मथुरा का मसला रहा हो, कभी भी उसको इंटरटेन नहीं किया गया। बहरहाल, जहां कोर्ट सर्वे से समाधान की ओर बढ़ रहा है, वहीं बयान बहादुरों की ऐसी बयानबाजी वाकई खतरनाक है। आज तक ब्यूरो। देखिए, बयान बहादुर जो हैं, ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और आज एक बार फिर ज्ञानव्यापी परिसर के पास माहौल बिगड़ा। हालांकि ये माहौल जो बिगड़ा, ये नमाज पढ़ने आए कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ मुस्लिम लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे भी यहां लगाए और इसके बाद पुलिस ने उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया। कौन ये लोग थे, कैसे यहां पर ये घटनाक्रम हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। और एक बार फिर यहां पर आप देख सकते हैं माहौल खराब होता हुआ, आप देखिए तस्वीरें, यहां से पुलिस जो है खदेड़ रही है लोगों को, यहां से दुकानों को जो है बंद कराया जा रहा है और एक एक करके आप देखिए यहां से लगातार लोगों को हटाया जा रहा है। तस्वीरें आपको मैं लगातार यहां ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं, वही पतली गली जिसका जिक्र कर रहा था, वहां से अब्दुल कलाम क्या करने आए हैं जी? हम नमाज पढ़ने आए थे सर। तो क्यों नारे बाजी किए? नहीं, गलती हो गया, मुझसे निकल गया, मुझे गलती हो गया सर। नमस्कार भैया, गलती हो गई जी। हाँ, ये एक पुलिस और आप देख सकते तस्वीरें लगातार यहाँ पर ये नारेबाजी कर रहे थे सर। गलती हो गया सर, गलती हो गया, हाथ जोड़ लें, नमस्कार। किसी ने कहा था क्या कि यहाँ के नारे लगाइए? नहीं नहीं जी, नहीं, कोई नहीं कहा था। आप लोग क्यों आए थे यहाँ पे, किस वजह से? सर, नमाज पढ़ने आए थे बस, कोई बात नहीं। पुलिस ने तो आपको बता दिया ना कि आपके भाई बहन? हाँ ना, ठीक है ठीक है। उसके बाद बाहर नारेबाजी का कोई मतलब था? नहीं नहीं, गलत बात। आप क्या बोल रहे थे वहाँ पर जाकर? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे वहाँ पर जाकर? क्या नारे लगा रहे थे? कुछ नहीं सर। किसी ने कहा था आपसे करने के लिए? नहीं नहीं,
कोई नहीं कुछ कहा। गलती हो गया सर। किसी ने आपको भड़काया था? नहीं जी सर, नहीं क्या बोला? नहीं सर, आप वहाँ पर क्या बोले? नहीं सर, गलती हो गया सर, गलती हो गया। आप वहाँ पर जाकर क्या बोले क्या बताइए? नहीं सर, कुछ नहीं। आप वहाँ पर जाकर क्या बोले क्या बताइए? अरे सर, गलती हो गया, कहे तो नहीं गलती हो गया। कितनी फोर्स लगातार लगी है आपको? वो नहीं सर, मालूम नहीं था, गलती हो गया सर। इसलिए बड़े बूढ़ों ने कहा है कि अब पछताए का होत। पहले सावधानी बरतनी चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी थी, मनाही थी, उसके बावजूद नारे लगाए गए। खैर, इन सब के बीच यूपी मचे घमासान के बाद अब बात हम दिल्ली करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर भी जंग जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि पीछे हटने के मूड में नहीं है। मोहाली कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और इसके बाद एक बार फिर पंजाब पुलिस दिल्ली आने की तैयारियां कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यह घमासान लंबा चलने वाला है। तेजिंदर सिंह बग्गा सिर्फ बहाना है, असली जंग बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की है। केजरीवाल के इशारे पर पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी की है, बग्गा को किडनैप किया और उनके पिताजी के साथ मारपीट की। बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी। एक सिख का सबसे बड़ा प्राइड है, सबसे बड़ा गर्व है उसकी पगड़ी, और उस पगड़ी का अपमान पंजाब में केजरीवाल के इशारे पर दिल्ली में पंजाब पुलिस ने किया है। उसके खिलाफ आज पूरे दिल्ली के प्रमुख हमारे सिख भाई आए और ये सिख विरोधी सरकार जो पंजाब के अंदर गुंडागर्दी पुलिस के माध्यम से करा रही है, उसके विरोध में आज खड़े। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद आज दूसरे दिन एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की आवाज का रुख किया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया। तेजिंदर सिंह बग्गा ने भी साफ किया कि लड़ाई अब कोर्ट और सड़क दोनों में होगी। कोर्ट और सड़क दोनों पर रहेगी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने अपना ये कहा था कश्मीर की जो पंडितों का नरसंहार है वो झूठा, जब तक माफी नहीं मांगते, हम उनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे और चाहे उसके लिए मेरे खिलाफ एक नहीं सौ एफआईआर। इस लड़ाई में तीन राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, यहां आज सुनवाई को टाल दिया गया। तेजिंदर बग्गा केस मामले में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस तीनों ही अपने अपने स्टैंड पर कायम है। अभी भी दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की है, बल्कि खामियां पंजाब पुलिस की कार्रवाई में थी। तो वहीं पंजाब पुलिस अभी भी आरोप लगा रही है कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने उनके साथ गलत किया है। लिहाजा अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट करेगा, जिसकी सुनवाई मंगलवार 10 मई को होगी। तेजिंदर बग्गा ने पंजाब पुलिस के नोटिस पर सवाल उठाए, गिरफ्तारी के तरीके को लेकर भी पंजाब पुलिस पर निशाना साधा। घर के अंदर जो क्या किया, घर पे यहाँ पे मेरे को मारा पीटा, जिस तरीके से लेके गए हम कोशिश कर रहे उसकी फुटेज भी, और जिस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भाग रहे थे वो? शायद क्योंकि इलीगल डिटेंशन दी। मैं आपको बताता हूँ, जो पहला वो आता है नाका आता है, कौन सा? मुरथल वाला। मुरथल वाले नाके पे जो बैरियर होता है जो टोल का, वो टोल का बैरियर पे वो रुके नहीं और वो बैरियर उनके शीशे के ऊपर गिरा और वो शीशा टूट गया। वो भी हम कोशिश करें वो फुटेज निकले ताकि पता लगे कि किस तरीके से पंजाब पुलिस भाग रही है। अब मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता खुलकर सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी पुलिस के बल पर बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरीके से हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके अपनी कठपुतली की तरह नचा के एक अपराधी को छुड़ाने का काम किया, इससे फिर से भाजपा ने एक बार साबित किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे लफंगों की पार्टी है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे और लफंगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करने वालों को, लफंगई करने वालों को, दंगे भड़काने वालों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दो दो राज्यों की पुलिस का गैरकानूनी इस्तेमाल हुआ एक गुंडागर्दी करने वाले को बचाने के लिए, एक दंगई को बचाने के लिए।
बीजेपी इस पूरी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रही है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज बग्गा से मिलने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूद चुकी है। जो पंजाब पुलिस ने किया है, किसी दूसरे राज्य में जाकर कानून की धज्जियां उड़ाना, कानून तो बनाए रखने के लिए पुलिस को रखा जाता है, ना कि किसी के बुजुर्ग पिता को प्रताड़ित करना, और किसी भी सिख युवा हो या बुजुर्ग हो उनको पगड़ी भी ना पहनने देना, आम नागरिक को चप्पल भी ना पहनने देना और घसीटते हुए लेकर जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि मानसिकता पंजाब पुलिस की क्या थी। ये पुलिस से ज्यादा पंजाब में उस सत्ताधारी दल की मानसिकता है। प्रशासन का दुरुपयोग बंद हो इस देश में। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई ट्वीट कर दी, उस ट्वीट में तीन प्रदेशों की पुलिस आपस में उलझ रही है, पंजाब पुलिस दिल्ली से किसी को उठा रही है, दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर रही है, हरियाणा पुलिस बीच में रोक रही है, ये क्या हो रहा है देश में? ये जो राजनीतिक झेप मिटाने के लिए इतनी मैं समझता हूँ सहनशीलता रहनी चाहिए। बग्गा की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक का पूरा खेल सियासी हो गया है। कल दिन भर चले इस ड्रामे के बाद देर रात तक तेजिंदर सिंह बग्गा कुरुक्षेत्र से वापस घर लौटे तो माहौल जश्न में तब्दील हो गया। बाहर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि वो एक लंबी लड़ाई लड़कर यहाँ पर पहुँचे, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए किस तरह से उनको गोद में भी उठा लिया गया है और ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है जो सुबह से ही उनके घर पर यहाँ पर रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब वो यहाँ पर पहुँचेंगे। एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो यहाँ पर पहुँचे। उनके पिताजी इस वक्त यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। अंकल कितने समय से इंतजार कर रहे हैं आपका इंतजार पूरा हो गया? बिल्कुल। बहरहाल लड़ाई लंबी चलने वाली है। खादी की जंग में अब खाकी का तड़का लग चुका है। आज तक ब्यूरो। करोड़ों रुपए कैश, बेहिसाब दौलत, कई राज्यों में संपत्ति, ये बही खाता जो है ये है झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का। मनरेगा घोटाले में ईडी ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकानों पर जब छापे मारे तो करप्शन के काले साम्राज्य का पता चला। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार के इस मामले में अभी कई और चेहरे ऐसे हैं जिनके सामने आने की उम्मीद हर कोई जता रहा है। लेकिन कैसे कैश ही पूजा है और कितना बड़ा कुबेर खजाना यहां से निकला है, हम आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। नोटों के इस बंडल को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक साथ इतने नोटों की गठियां देखकर किसी की भी आंखें चौधियां जाएंगी। एक साथ इतने नोट, इतना कैश, जिसने भी देखा वो एक तरफा तो भौचक्का रह गया। नोट इतने ज्यादा थे कि इन्हें गिनने के लिए तीन तीन मशीनें लानी पड़ी। मशीन नोट गिन रही और अतः कमाई का हिसाब करती रही। नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती हुई। अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर रुका। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में मिला ये कैश हर किसी को जितना हैरान कर रहा है, उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस काली कमाई का सीधा कनेक्शन झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल से है, जिनके करीबियों के कई ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की तो आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार वाले साम्राज्य की पोल खुली। झारखंड में हुए मनरेगा और अवैध खनन घोटाले में ईडी ने यह छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसियों का छापा पड़ा। छापेमारी में करोड़ों के नोट और करोड़ों की चल अचल संपत्ति का पता चला। अकेले पूजा सिंघल के सीए सुमन के घर से 17.4 करोड़ रुपए कैश मिला। सीए के घर से भारी कैश बरामद होने के बाद सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई। गिनती के बाद नोटों के बक्से को भर भर कर अधिकारी अपने साथ ले गए।
आधिकारिक सोर्स हैं ईडी के, उनके द्वारा उनकी बातों को अगर माना जाए तो 19 करोड़ 30 लाख रुपए जो है उसकी बरामदगी की बात आ रही है। और देखिए कई मशीन जो है, लगभग 4 मशीन नोट गिनने के लगाए गए थे, तीन मशीन जो है वो फिलहाल यहाँ दिख रही है और इसको वापस जो है अब ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा सिंगल के सरकारी आवास पे भी छापेमारी की गई थी। बताया जा रहा है कि ईडी की इस कार्रवाई में झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल के साथ ही उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी भी जांच एजेंसियों के रडार पर थे। शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही, देर रात तक यह सिलसिला चला। पूजा सिंघल के जो हस्बैंड हैं उनके भी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अभिषेक झा जो है वो पल्स हॉस्पिटल है उनका। पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी ये मिली है कि पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी ठिकाने में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है, कई फ्लैट्स में निवेश के सबूत मिले हैं। हालांकि ईडी से अब तक इनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर से ये कैश बरामद हुआ है। रांची में पूजा सिंघल के पति के पल्स हॉस्पिटल पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद यहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। ये हॉस्पिटल पूजा सिंघल के परिवार वाले चलाते हैं। पूजा सिंघल के पति मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। यही वजह है कि ईडी की एक टीम जांच के लिए मुजफ्फरपुर भी पहुंची है। मनरेगा से जुड़ा ये घोटाला साल 2007 से 2010 के बीच का है। वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के बाद से ही आईएएस पूजा सिंघल जांच के दायरे में है। अब ईडी के एक्शन के बाद घोटाले के एक एक तार खुल रहे हैं और आईएएस अधिकारी की अकूत कमाई का सच सामने आ रहा है। मुंबई से देवेश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। तो काली कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाली ये आईएएस कई और मामलों में भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। दरअसल केवल 21 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी ये बनी, लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया और अब पूजा सिंघल के नाम करप्शन वाली लिस्ट से जुड़ गया है। हम आपको बता दें, पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई के बाद इस अधिकारी की काली कमाई जो है उसकी पूरी कुंडली खंगालने की शुरुआत हो गई है। जरा देखिए कैसे अलग अलग इतिहास बनाने वाली पूजा अब काली कमाई में एक बड़ा काला अध्याय लिख रही है। करोड़ों रुपए कैश, काली कमाई के कई दस्तावेज, कई शहरों में अवैध संपत्ति। ईडी की छापेमारी के बाद काले कारनामों की ये पूरी कहानी उस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ रही है जो महज 21 साल की उम्र में आईएएस बन गई। ये उपलब्धि हासिल कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल फिलहाल झारखंड में उद्योग और खनन सचिव हैं। इससे पहले झारखंड में बीजेपी की सरकार के दौरान वो कृषि सचिव थी। देहरादून में जन्मी सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, फिर अपने पहले प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की। वो अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर की सूची में शामिल रही। ऐसा नहीं है कि विवादों से पूजा सिंघल का पहली बार नाता पड़ा हो। नौकरी के दौरान जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन पहली बार मनरेगा में हुए घोटाले को लेकर पूजा सिंघल का नाम सामने आया। दरअसल ये मामला 2007 से 2010 के बीच का है। इन 3 साल में आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के 3 जिलों में डीसी रही। बताया जा रहा है कि उस दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई। जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दिए। विजिलेंस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 एफआईआर दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां भी हुई। पश्चिम बंगाल में एक अहम गिरफ्तारी राम विनोद सिंह की हुई जो खूंटी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उसी अधिकारी से पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल और कई अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए। खूंटी में ये मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था जिसको लेकर एक सेक्शन ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई थी। 16 एफआईआर
दर्ज किए गए थे उसके आधार पर राम विनोद सिन्हा की गिरफ्तारी हुई थी। और उस गिरफ्तारी के बाद जब ईडी के टीम ने राम विनोद सिन्हा को क्विज किया और उसके क्वेश्चनिंग के आधार पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, जिसमें पूजा सिंघल का नाम भी उभर कर आया है, जो अभी फिलहाल यहाँ पे इंडस्ट्री और माइंस में माइंस सेक्रेटरी हैं, तो उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है। और ये समझा जा रहा है कि राम विनोद सिन्हा को जब क्विज किया गया है तो उसके बाद उनका नाम आया है, लगातार जो है छापेमारी चल रही है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी घोटाले की जांच में ईडी की रडार पर है। अभिषेक झा से पूजा सिंघल की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी, जो कुछ समय बाद टूट गई। बताया जा रहा है कि पति अभिषेक झा के कई कारोबारी हितों को पूजा सिंघल ने अधिकारी रहते फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि अभिषेक झा पल्स अस्पताल समेत पैतृक निवास पर भी ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची। सचिव स्तर पर अधिकारी के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष के सवालों के घेरे में सीएम हेमंत सोरेन भी हैं। भले ही पूजा सिंघल पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूरी कार्रवाई को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बता रहे हैं। देखिए, ये सब गिदर भक्की है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहा था ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट विकेट बॉल उल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग सब। ईडी की छापेमारी के बीच के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद पूजा सिंघल अब तक इतने अहम पदों पर कैसे बने रही, इतने पुराने केस में अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीष पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। खनन सचिव पर ईडी की कार्रवाई होते ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर विरोधियों का हमला भी शुरू हो गया। खुद सोरेन खनन पट्टा मामले में संकट में घिरे हैं और अब खनन सचिव के भ्रष्टाचार में फंसने के बाद उनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे वक्त में जब सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में खुद आरोपों से घिरे हैं, जिस वक्त चुनाव आयोग के नोटिस के बाद हेमंत सोरेन की चिंता बढ़ी हुई है। विपक्ष लगातार सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, खनन पट्टे को लेकर सवाल उठा रहा है। ठीक ऐसे में प्रदेश की खनन सचिव पूजा सिंघल पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई तो झारखंड की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी की छापेमारी और जांच में हुई जब्ती को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया है कि ईडी की कार्रवाई में करीब 300 करोड़ की संपत्ति मिली है। बीजेपी सांसद के इस दावे का आधार क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन इस छापेमारी को लेकर झारखंड की राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। अधिकारी के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आईएएस पूजा सिंघल पर लगे आरोप गंभीर है, ईडी की जांच में सारी सच्चाई जग जाहिर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर सवाल उठा रही है। तो जिस तरह के अवैध खनन पट्टे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके भाई को, उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनको, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको, उनके और भी रिश्तेदारों को या दलालों को, चमचों को जिस तरह से रेबड़ी की तरह बांटा था, उसमें इस तरह का होना रेट जो है वो स्वाभाविक था। और करप्शन के कई एक केसेस के बारे में जानकारी मुझे लगता है कि एजेंसीज को लगातार आ रही थी, जब हमारे जैसे नेताओं को आ रही थी तो एजेंसीज को आ रही होगी। अगर इसके तार देखे जाएं, इसके तार सीधे सीधे दिखते हैं कि हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है। और उन्हीं के इशारे पे जो उनके जो खनन सचिव हैं उन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत सस्ते दर पे दिए और अवैध तरीके से दिए और अवैध तरीके से पैसा कमाने का काम किया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सोरेन सरकार पर हमला बोला है तो कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग जानते नहीं और जिसका डर आपको सता रहा है, जिसके कारण आप इस तरह का बयान दे रहे हैं ऐसे मैटर में जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है? तो हमें तो पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भले ही ऊपर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन वो काफी कुछ छिपा भी रहे हैं और इसका डर इन्हें सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है केंद्रीय
पर ईडी की जो है इंक्वायरी, ये तो एक मामूली है। पूरे राज्य के अंदर झारखंड में जिस तरह से लोगों ने यहां उत्पात मचाया है, 16-17 वर्ष भारतीय जनता पार्टी हाथी उड़ने का कार्यक्रम इसी राज्य में हुआ है। उधर सीएम खुद इस कार्रवाई को लेकर इशारों में सवाल उठा रहे हैं। ये अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं, अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने को, इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी करते हैं। ईडी की छापेमारी के बीच अब सियासत तेज हुई है, ऐसे में इस विवाद और जांच का नया रंग देखने को मिल सकता है। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।